नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में होंगे नो बैग डे। 22 जिलों में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। निकाय चुनाव के नामांकन में नो ड्यू सर्टिफिकेट देना अनिवार्य। मुफ्त राशन योजना की बढ़ाई जा सकती है तिथि। 6 साल बाद आज मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच खेलेगा भारत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 56 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ने विभिन्न डिसिप्लिन में नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट के कुल मिलाकर 56 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में 10+2 या ITI या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी कुल 66 फरियादियों की फरियाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जनता दरबार में बिहार के अलग अलग जिलों से आए कुल 66 फरियादियों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बीते दिन जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें सुनी। इस दौरान जनता दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पश्चिमी चंपारण के युवक ने CM से आग्रह करते हुए कहा कि मेरा बिजली बिल अधिक आया है, जिसकी शिकायत हमने की लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच CM ने ऊर्जा विभाग को इस पर जांच करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरा मामला सहरसा के एक बुजुर्ग ने कहा कि वो परिवहन विभाग से रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका रिटायरमेंट नहीं मिला है। इस पर CM ने तुरंत परिवहन विभाग को फोन लगाया। सीतामढ़ी का बगही धाम इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है सीतामढ़ी का बगही धाम। कहा जाता है कि साल 1954 में तपस्वी बाबा नारायण दास ने इस मंदिर में राम नाम का कीर्तन शुरू किया था। और आपको चौंकाने के लिए ये बात काफ़ी है कि पिछले 68 सालों से, यानी कि 1954 ईस्वी से ही निरंतर बगही धाम में अखंड राम कीर्तन जारी है। आपको बता दें कि बगही धाम शिव मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराने शिवलिंग को स्थापित किया गया है। लोग बगही धाम पहुंचकर खुद को भाग्यशाली समझते हैं। बिहार के स्कूलों में होंगे नो बैग डे। बिहार के स्कूलों में अब एक दिन नो बैग डे, यानी कि स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह का एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बच्चे बस्ते के बोझ से बिल्कुल मुक्त होंगे और सिर्फ लंच लेकर ही स्कूल पहुंचेंगे। साथ ही स्कूलों में सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने देते हुए कहा कि इस आशय की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि यह पहल 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और यह कदम निश्चित रूप से छात्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जगदानंद सिंह ने राजद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। राजद के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू है। इस बीच बीते दिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले जगदानंद सिंह ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान डिप्टी CM सह राजद नेता तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि रविवार को ही राजद प्रमुख लालू यादव ने जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का निर्देश दिया। इसके बाद वे इस पद के लिए तैयार हो गए। आपको बता कि रविवार को मीडिया से बातचीत में जगदानंद सिंह ने कहा था कि इस पद के लिए मेरा मन नहीं है क्योंकि अब शरीर थक चुका है। पहले 12-12 घंटे काम किया करते थे लेकिन अब 6 घंटे ही कर पाते हैं। लेकिन एक बार फिर से जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की।
20 सितंबर 1974 को बिहार के सोनपुर में जन्मे अभिमन्यु सिंह एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। अभिमन्यु सिंह ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित अक्ष 2001 के साथ अपनी शुरुआत की। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गुलाल में रणंजय सिंह की भूमिका के साथ उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। इस भूमिका ने उन्हें जीत दिलाई। 2010 स्टारडस्ट अवार्ड उनके सफलता प्रदर्शन के लिए रहा। राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित रक्त चरित्र में बुक्का रेड्डी की भूमिका के लिए उन्हें प्रशंसा भी मिली। वज्रपात ने ली 11 लोगों की जान। एक ओर जहां नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ वज्रपात की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के 3 जिलों में करीब 11 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। बीते दिन IPRD द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में पूर्णिया में 4, अररिया में 4 और सुपौल में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इन 11 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि मौसम की गतिविधियों को देखते हुए खराब मौसम के दौरान घर से निकलने से परहेज करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से निकले। 22 जिलों में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 4 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 19 सितंबर से कर दी है। इसके तहत 5 वर्ष तक का एक भी बच्चा खुराक से वंचित नहीं रहे, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बताते चले कि यह अभियान राजधानी पटना सहित राज्य के 22 जिलों में चलाया जा रहा है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से अवश्य मिले। बिहार के संसद विधायक और विधान पार्षद के लिए अच्छी खबर। बिहार के संसद विधायक और विधान पार्षद अब अपनी पसंद के बॉडीगार्ड रख सकते हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के SSP और SP को पत्र जारी किया गया है। इसके बाद अब ट्रांसफर के बावजूद भी इनके बॉडीगार्ड को नहीं हटाया जाएगा। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से साल 2017 के नियम का हवाला देते हुए बिहार पुलिस सभी जिलों के SSP और SP को इस बात को लेकर निर्देश दिया है। बिहार के ये 2 ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार 34% कम कर रही है अपनी भागीदारी। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अपने हिस्से का निजीकरण करने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हाल में ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। केंद्र सरकार के इस अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने ग्रामीण बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। सरकार लगभग 34% तक निजी कंपनियों के हवाले यानी बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम के बाद ग्रामीण बैंक में केंद्र की हिस्सेदारी महज 16% बचेगी। आपको बताते चले कि बिहार में 2 प्रमुख ग्रामीण बैंक हैं। पहला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। इन दोनों ही बैंकों में केंद्र सरकार अपनी भागीदारी 34% कम करने जा रही है। निकाय चुनाव के नामांकन में नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य। बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। इस बीच नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों का होड़ लगा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन प्रत्याशियों को कार्यालय के खूब चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में एक और सूचना निकलकर सामने आ रही है कि निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त प्रमाण पत्र को ही बकाया रहित प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ICICI बैंक में हुई बड़ी लूट। बिहार में आपराधिक मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, गोलीबारी जैसे वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां अपराधियों ने ICICI बैंक को निशाना बनाया और लगभग 14 लाख की बड़ी लूट को अंजाम दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक लूट की वजह बैंक की लापरवाही को बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि अपराधी बैंक के अंदर घुसे और सबको एक कोने में बैठने के लिए कहा और फिर दहशत फैलाकर लूट को अंजाम दिया। मुफ्त राशन योजना की बढ़ाई जा सकती है तिथि। बिहार के वैसे परिवार के लिए अच्छी खबर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा PMGKAY योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने यह इस योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन वितरण की अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर आगे करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की एक बड़ी आबादी को काफ़ी राहत मिलेगी। मालूम हो कि यह योजना कोरोना महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लॉकडाउन
अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि यह योजना जारी रहे या ना रहे यह फैसला सरकार को करना है। नल जल योजना का लाभ लेने के लिए करें ये काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर नल का जल योजना के तहत यह सपना है कि बिहार के हर घर में पानी का नल अवश्य हो और लोगों को कभी भी पानी की किल्लत ना हो। इसके लिए बिहार सरकार पंचायत स्तर पर काम कर रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे घर हैं जो कि इस सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में अगर आपका भी नल का जल योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन लेना बेहद ही आसान है। इसके लिए आवेदक को अपने नजदीकी पंप ऑपरेटर से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप वेब पोर्टल PHEDCGRC.in पर जा सकते हैं। साथ ही किसी शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कृषि रोड मैप में अधिकारियों को नहीं किया जाएगा शामिल। महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ही अधिकारियों से खफा हैं। दरअसल सुधाकर सिंह का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। दरअसल बीते दिन कृषि मंत्री ने कृषि रोड मैप को लेकर जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि विभाग में जो कृषि रोड मैप लागू है वो गलत है, उसमें कहीं बाजार ही नहीं है और जब बाजार नहीं होगा तो किसान के उत्पाद के सही दाम नहीं मिलेंगे। साथ ही अपने चौथे कृषि रोड मैप को लेकर उन्होंने कहा कि इस मैप में बाजार भी आएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आंकड़ों के जरिए नहीं बल्कि नीतियों के बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव करेंगे। कृषि मंत्री की सनसनी फैलाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि इस बार के कृषि रोड मैप को तैयार करने में बिहार के किसी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। कृषि मैप में कृषि विशेषज्ञों, पद्मश्री से सम्मानित जानकारों, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि कारोबारी की सहायता ली जाएगी। IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र उनसे डर गई है। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली से तेजस्वी यादव को साल 2018 में ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन CBI ने एक बार फिर से ये मसला बाहर निकाला है और तेजस्वी यादव का जमानत खारिज करने के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा कि CBI की जांच में मैंने पूरा सहयोग किया है, वो डरने वाले नहीं हैं, कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार उनसे डर गई है, उन्हें डर है कि जो बिहार में हुआ वो केंद्र में भी होगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने CBI की जांच में पूरा सहयोग किया है, जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है वो CBI के सामने मौजूद रहे हैं। महागठबंधन सरकार रैली का जवाब देगी रैली से। 2 दिन के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार दौरे पर आ रहे सीमांचल की धरती से अमित शाह बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकने आ रहे हैं। 23 सितंबर को पूर्णिया में उनका भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह के बिहार आगमन से पहले बिहार में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है, जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अमित शाह के बिहार आगमन से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ऐलान किया है कि महागठबंधन ने भी रैली करने का फैसला लिया है, जो कि दशहरा के बाद होगा। ललन सिंह ने कहा कि बिहार के पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में रैली का आयोजन होगा। यह रैली सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी एकता बढ़ाने के लिए होगी। मतलब साफ है कि रैली का जवाब रैली से दिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा देश भर में जोरों पर है। राजस्थान से लेकर पंजाब और अब बिहार में भी राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल बीते दिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता शामिल हुए, जिसमें सर्वसम्मति से राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के सवाल पर भड़के शिक्षा मंत्री। महागठबंधन की सरकार से 20 लाख के रोजगार की उम्मीद लगाए बिहार के युवा रोज वैकेंसी की राह देखते हैं। इस बीच जब 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के बारे में शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो शिक्षकों की बहाली के सवाल का जवाब देने के बदले मंत्री जी केंद्र सरकार पर निशाना साधने लग जाते हैं। दरअसल बीते दिन जब शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से मीडिया कर्मियों ने जब 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की बहाली के बारे में पूछा, तब शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमसे पहले चौड़ी छाती वाले लोगों से पूछिए जो देश में 16 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे। पूछे गए सवाल का जवाब देने के बदले शिक्षा मंत्री ने कहा कि 16 करोड़ बहाली जो दिल्ली से होनी थी, पहले सब लोग मिलकर उसे खोजिए, फिर हमसे बात कीजिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाखों बहाली होनी है, इसमें महीनों लग सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
6 साल बाद आज मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 3 दिवसीय टी20 सीरीज का आगाज आज से मोहाली में होने जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद मायने रखता है। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका करीब 6 सालों के बाद एक दूसरे से भिड़ेंगे। इस मैदान में भारत का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। भारत ने इस मैदान पर खेले गए 3 T20I मुकाबलों में तीनों ही मुकाबलों पर अपना कब्जा किया है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाना है। मैच आप फोन में डिजनी प्लस हॉटस्टार और TV पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे PM मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ब्याज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे PM मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ब्याज के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक अनुमोदन पत्र में सत्यापन और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 4,500 के भुगतान पर PM मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ का ऋण देने का दावा किया गया है। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है, साथ ही कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 20 सितंबर 1388 को दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक शाह तृतीय का निधन हुआ। 1878 को अंग्रेजी दैनिक द हिंदू के साप्ताहिक अंक का प्रकाशन शुरू हुआ। 1933 को भारत में होम रूल लीग की स्थापिका एनी बेसेंट का निधन हुआ। 1946 को पहला कान फिल्म समारोह आयोजित किया गया। 1948 को भारतीय फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट लेखक महेश भट्ट का जन्म हुआ। 2011 को भारतीय ज्ञानपीठ ने वर्ष 2009 के लिए 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लेखक अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की। 2017 को पेंशन से संबंधित सभी जानकारियों के लिए पेंशन कैलकुलेटर नाम का ऐप जारी किया गया। 2017 को सरकार ने वर्तमान 17 सरकारी प्रेसों का विलय कर इनकी संख्या 5 करने का निर्णय लिया। YouTube से आप ऐसे कर सकते हैं बम्पर कमाई। दुनिया भर की एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया शॉर्ट्स क्रिएट करती है, वह चाहे फेसबुक हो या इंस्टा। इन्हीं सब सोशल मीडिया ऐप को टक्कर देने आ रहा है YouTube शॉर्ट्स। YouTube एक नया कदम उठाने जा रहा है। YouTube के इस नए प्लान से YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इससे लाखों क्रिएटर्स YouTube शॉर्ट्स से कमाई कर पाएंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी शुरुआत अगले साल से होगी। शॉर्ट्स को भी YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसका मतलब जो लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्ट्स से एड मनी का हिस्सा मिलने लगेगा। नागार्जुन ने कहा, हिंदी फिल्मों में काम करना दिली सुकून देता है। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र से साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। देश भर में बदनाम बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ सुपरस्टार नागार्जुन को पसंद आ रही है। मूवी रिलीज होने के बाद नागार्जुन ने बॉलीवुड में अपने डेब्यू को लेकर कहा कि जब भी हिंदी फिल्मों की बात आती है तो वह हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें दिली सुकून देता है, और यही वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड से कई वर्षों की दूरी के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में काम किया। बता दें कि साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित काल्पनिक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म में अतिथि भूमिका निभाई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं। UG में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इस दिन जारी करेगा कट ऑफ। CU SET UG एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम घोषित होने के बाद बिहार के ऐसे 10,000 छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। ऐसे छात्रों को बताना चाहेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्रीराम कॉलेज, SRCC हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, किरोड़ी मल कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, देशबंधु कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों का कट ऑफ जारी करेगा। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी आपको सलाह दी जाती है कि विशेष जानकारी के लिए आप admission.uod.ac.in पर जाकर जरूर विजिट करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, रूपेश कुमार, निकी, कविता कुमारी, संजीत कुमार, पूनम झा, मृत्युंजय कुमार, संजय राम, सादरे आलम, मुटु रंगीला, खुशबू कुमार, जयप्रकाश कुमार, राजीव कुमार, सुनील मंझौली और प्रमोद पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 के पहले मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।